is Meenakshi Bhagat and you are watching The Chatterbox. भाई जैसे आपको पता है मैं आई हूँ झिड़ी मेले में। पीछे देखो कितनी सारी रौनक यहाँ पे फैली हुई है और रश भी आपको दिख रहा होगा कितना सारा है। मेरे साथ आ जाओ, आपको चीजें बताती हूँ। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग गेम जो यहाँ पे लगी है ना वो ये, इधर आओ पास में आओ, ये वाली गेम। इसमें क्या होता है, हमने ऐसे फेंकना होता है और हमारे यू नो प्राइज निकलता है। मैं खेलूंगी और आपको बताऊंगी मेरा प्राइज निकलता है कि नहीं, ठीक है? तो स्टे ट्यून। तो गाइज ये छल्ले मेरे हाथ में आ गया, अब मैं अपने प्राइज जीतूंगी। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेट्स ट्राई। पहला फेंकने जा रही हूँ, ठीक है भैया? 100 रुपए पे आया, 100 रुपए मिलेगा। वाओ, चलो फेंकने लगी हूँ मैं। ओ यार नहीं आया। अच्छा एक मिनट भैया, अभी नहीं आया, जब आएगा फिर मारना ताड़ियां। यार आपने गलत लगाए हुए, ये बड़े चला गए हैं ना। कितने, 3 हो गए, 2 हो गए ना। ओ 20 रुपए, उधर लगा रहा, उधर 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 लगा। अच्छा अच्छा देखो भैया, देखो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। एक मिनट भैया, कॉन्सेंट्रेट करने दो। और यार नहीं आ रहा मेरा, यार मैं नहीं जीत रही, इन्होंने गलत गेम बनाई है। तो गाइस मैं तो ये गेम हार गई, लेकिन आपकी कौन सी फेवरेट गेम होती है मेले में, झिड़ी मेले में या फिर कोई भी मेले में, तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेले की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या होती है, जरा गेस करो। वो होते हैं झूले, चाहे वो कश्ती वाला झूला हो या चाहे वो जंपिंग कास्टल हो, भाई ये चीजों का तो मजा ही अलग होता है। और इसके अलावा एक और चीज भाई, अगर मेले में जलेबियां और पकोड़े ना हो तो वो मेला मेला दिखता ही नहीं है, चाहे वो बैसाखी का मेला हो या चाहे वो छिड़ी का मेला हो। तो भाई ये हो गया जलेबियाँ, वो भी ऐसे जैसे कि खंड मीठे लोग डोगरे होते हैं ना मिठे, वैसे ही इनकी जलेबियाँ बहुत मीठी होती हैं। और ये बाजे भाई, इन बाजों के बिना तो मेला अधूरा सा लगता है, क्योंकि हर बच्चे के मुंह में ये बाजा होता है बजाने के लिए। और ये तो कुछ नहीं, इस मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, पंजाब वाली साइड से बहुत से लोग आते हैं जो यहीं पर डेरा लगाते हैं। इस मेले से कोई आई थिंक 4 या 5 दिन पहले ही आकर वो यहाँ पर बस जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर सेलें जो लगी होती हैं बहुत ही सही होती हैं, चाहे वो बच्चे के टॉयज हों या चाहे वो बड़ों की चीज़ें हों। 20-30 रुपये से ये सेलें सब स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर अभी आप जो ये जो लोग देख रहे हैं, ये रात का टाइम है और इतनी ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी। सोचो जब दिन का टाइम होता होगा तब कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। भाई भाई हम तो यहाँ पे फंसते फंसते निकले हैं। भाई झिड़ी का मेला देख के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि मैं जब छोटी हुआ करती थी तब भी मैं मम्मी पापा को बहुत बोला करती थी कि मुझे मेले में जाना है और मुझे मेले में जाकर जलेबियां पकोड़े तो खाने खाने, और साथ में वो जिद किया करती थी कि मुझे टॉयज ज़रूर लेके दे। तो गाइज जो जो लोग झिड़ी मेले में नहीं गए हैं ना, तो जल्दी से जाओ, क्योंकि ये मेला जो है वो 5 दिन में ख़त्म होने वाला है। मैंने तो बहुत सारी गेम्स खेली, बहुत आनंद उठाया, झूले भी लिए। वैसे मुझे झूलों से बहुत डर लगता है, लेकिन झूले ये पकोड़े जलेबियां खाई, बहुत मजा आया। बहुत सारे लोगों की धार्मिक आस्था भी इस जगह के साथ जुड़ी हुई है, वो लोग तो यहाँ पर आते ही आते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें इस जगह की कहानी के बारे में नहीं पता, बुआ गौरी और बाबा जीतों की कहानी के बारे में नहीं पता। वो ज़रूर जाएं, उस कहानी को सुनें और प्रेरित हों। अगर आपको उस कहानी का पता नहीं चलता तो आप हमें DM कर सकते हैं, हम ज़रूर उस कहानी के बारे में आपको बताएंगे और इस मेले का लुत्फ़ उठाएँ। और बाकी की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए द चैटरबॉक्स। बाय गाइस।